बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने सूरत इखलास का नक्श जो है वो लिखना है और आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताना है। ये सूरत इखलास का नक्श जो है ये हर बीमारी के लिए मुफीद है। हर किस्म की बीमारी, जो भी बीमारी हो उसके लिए ये नक्श लिखकर लोगों ने कागज़ पर फिर पानी की बोतल में वो डाल लें और रोज़ सुबह शाम ये पानी इस्तेमाल किया जाए पीने के लिए, तो इसके साथ जो है ना हर किस्म की बीमारी से शफा है। इसके लिखने का तरीका ये होगा कि तीन खाने बनाए जाएंगे, चाहे रोगनी कागज पर लिखें चाहे प्लेट पर लिखें। ये लिखकर पानी में घोल कर इसको मरीज को पिलाना है और ये मुतवातर 21 दिन तक पीना है। यह हर किस्म की बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद है। लिखने का तरीका जिस तरह मैं लिखूंगा यही तरीका होगा, इसी तरतीब से लिखना है। तैतीस 337 337 337 338। ये इस तरतीब से लिखकर ये पानी की बोतल में डाल लें और ये पानी सुबह नहार में और रात को सोते वक्त मरीज को पिलाएं। 21 दिन तक मुतवातर पिलाना है और उसके बाद जो है 21 दिन मुकम्मल हो जाए तो फिर ये नक्श लिखकर किसी कागज़ पर मोम करके तावीज़ बनाकर मरीज के गले में डालें, तो इसके साथ इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा, इसके अलावा अगर किसी को कोई बंदिश हो, रिश्तों की बंदिश होती हो, रिश्ते ना आते हों, तो ये सूरत इखलास की तिलावत जो है रात को सोते वक्त ये कम से कम 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाए। जिस किस्म की बंदिश हो उसकी नियत करके पढ़ी जाए। अगर किसी का रिश्ता नहीं होता है तो इंशाल्लाह उसका रिश्ता होगा। अगर कारोबार की बंदिश है तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। कोई और दिली हाजत है, कोई मुराद है, उसकी नियत करके ये रात को सोते वक्त कम से कम 200 मरतबा पढ़ी जाए और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाए। पहली मरतबा जब शुरू करें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करें, उसके बाद बिस्मिल्लाह बेशक न पढ़े, लेकिन पहले जब शुरू करें सूरत इखलास कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाह वाहद अल्लाह समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, इस तरह फिर उसके बाद बेशक बिस्मिल्लाह न पढ़े, पहले शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो जिस किस्म की भी बंदिश होगी, जिस किस्म की काम की कोई रुकावट होगी, उसकी नीयत करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अगर काम मुकम्मल हो भी जाए तो दौरान वजीफे के दौरान भी अगर पूरा हो जाए तो फिर भी इस अमल को जारी रखते रहें, इसको छोड़ना नहीं है। अल्लाह पाक हम सब के हाजात को, ज़रूरियात को अपने गैब के खजानों से पूरा फरमाए, हर किस्म के हसद से, शर्म संदों के शर से सबकी हिफाजत फरमाए।